Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Mahmoud Ansari, aap sabhi logo ka King Khan, global superstar, Badshah Khan, Shah Rukh Khan ki film Pathaan ke ek aur episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? Shah Rukh Khan has just set the internet on fire. Hey guys, Shah Rukh Khan jab bhi apne account se kuch bhi post karte hain, uske baad uska jo asar rehta hai internet par, wo kuch ghanton tak nahi balki kai dino tak rehta hai. And aaj wo look jiske officially hum sare ke sare log intezar kar rahe the, wo finally Shah Rukh Khan ne yahan reveal kar diya hai. Hey guys, 5 March se pure ki puri jo unit hai, yani ki Pathaan ki, wo sabhi ke sabhi log Spain gaye the. Humne dekha kis tarah se मौका में शाहरुख खान, पूरे की पूरी टीम, प्रीति शील, शाहरुख खान मैनेजर, द बॉडीगार्ड्स, द मेकअप आर्टिस्ट, यू नो सिद्धार्थ आनंद, एवरीवन वाज देयर इन मौका अलोंग विद द कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट. उसके बाद बहुत ही भव्य गाना शूट हुआ, बहुत सारी आधा डजन नहीं बल्कि एक डजन के ऊपर पिक्स जो है शाहरुख खान के लुक को रिवील करते हुए वहां से लीक हुई. एंड अब गाइस फाइनली शाहरुख खान ने वो लुक जो है ऑफिशियली पोस्ट कर दिया. तो एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है देखिए गाइस, पहला जो गाना था जो कि यहाँ पर वैभवी मर्चेंट ने शूट किया है, विशाल शेखर का गाना है, वो यहाँ पर कम्प्लीटली शूट हो चुका है शाहरुख भाई एंड दीपिका के बीच में, तो वो गाना शूट हो गया. उसके बाद बहुत सारे कन्फ्रंटेशन सीन्स हुए दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान के बीच में. उसके बाद जॉन जो है, पहले अपने देखा था किस तरह से डेविल और उनकी स्टंट टीम ने वहां पे एक्शन सीक्वेंसेस यू नो वहां पे पिक्चराइज करने के बाद जॉन केम बैक टू मुंबई. एंड अभी हाल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वापस से अभी अटैक के जो प्रमोशंस है खत्म करके ही विल गो बैक टू स्पेन. तो जॉन अभी शायद स्पेन वापस जाने वाले हैं शाहरुख खान के, उनके कुछ सीन्स है वो शूट करने के लिए, वो जैसे होगा आपको बताऊंगा मैं. सो गाइस फिलहाल अब ये सारे के सारे लोग कहाँ हैं, शाहरुख खान ने पहला क्या लुक पोस्ट किया है, सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में चली शुरू करते हैं. आई एम द टैटू ऑन द हैंड ऑफ शाहरुख खान इज अ बिग बिग मिस्ट्री जो आई थिंक फिल्म के बाद पता चलेगी. लुक एट दिस बैंगा. मैं आपको उसी दिन कहा था एपिसोड में दूर से खींची गई तस्वीर एंड ऑफिशियल तस्वीर में कितना अंतर होगा जब नजदीक से ये रिप्ड बॉडी जो है वो हमारे सामने दिखेगी. देखिए गाइस, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रीट टू द आईज. शाहरुख खान हैज बल्क्ड अप. हमने देखा है इनको 6-pack 8-pack अवतार में, यू नो हैप्पी न्यू ईयर में देखा है, उसके बाद ओम शांति ओम में पहले देखा है. उस जमाने में क्या क्रेज हुआ करता था 6-pack, लेकिन यह ही हैज रिप्ड इट अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pack abs of Shah Rukh Khan looking absolutely brilliant. The biceps, the hair, this man bun is going to be the flavor of the season. Trust me on this one, a thumbs up ka. Chashma itna viral hua hai, kasam se everyone is wearing that. And now guys, ye hairstyle is going to be absolutely brilliant. His hairstyle, his six pocket, you know, trousers, everything, the cargo pants are going to be a craze guys. So ye look officially Shah Rukh Khan ne ab apne account se jo hai, wo reveal kar diya, jo ke kaafi khushi ki baat hai. So ab jitna ho sake, ye photo hum log sab log use kar sakte, kyunki Shah Rukh Khan himself has, you know, kept this photo on his Twitter account. And bhai, कैप्शंस की जब बारी आती है तब शाहरुख खान जिस तरह से विटी कैप्शंस लिखते हैं, ही इज डन सम काइंड ऑफ प्रमोशन एप्स को लेकर. उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर ऑल द सजेशंस, बट आप सबका टाइम सिर्फ अच्छा चल रहा है, मगर याद रखिए शेरों का जमाना होता है. शाहरुख खान ने लिखा, उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स स्पॉटिफाई, टिंडर, डांजोल्ड, कॉइन स्विच, कुबेर, फोन पे, माई नाइका, जोमेटो, डिजनी प्लस, हॉटस्टार, सबको प्रमोट किया है. एक वॉइस नोट है, बस इतना सा ख्वाब है बिग बॉस का जो थीम लेकर उन्होंने गाना गाया है यहाँ पर. और उसके बाद लिखा है, शाहरुख खान अगर थोड़ा रुक भी गया तो पठान को कैसे रोकोगे, एप्स और एब्स सब बना डालूंगा, अरे सब खरीद दूंगा, सब बना डालूंगा शाहरुख खान, पूरा आग लगा दूंगा. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो गाइज ये उन्होंने ऑफिशियल फोटोज जो है फैंस के यहाँ पर दे दिए कि भाई देखो ये ऑफिशियल यहाँ पर आ गया. सो अब गाइज एग्जैक्टली क्या होने वाला है, यहाँ पर भी एक्शन सीक्वेंस है जो पिक्चराइज होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी टीम जो है वो फिलहाल कडीज में है. कडीज में बॉस्को जो गाना अक्टूबर में, याद है हम लोग अक्टूबर में 6-7 अक्टूबर को गया था वहां पर अलॉन्ग विद रजत दादा, सिद्धार्थ आनंद, सारे सारे लोग अभी वहां पर गए हैं. एंड वहां पर अब बॉस्को मार्टिस जो है वो अपना गाना है जो शूट करने वाला है. एंड उसके बाद यहाँ पर जॉन अब्राहम वापस से जाएंगे शाहरुख खान के साथ अपने सीन्स जो शूट करने के लिए. एंड मार्च एंड होते होते, मार्च 26 तो हो गया है, अभी कुछ ही दिनों में वापस से पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो रैप अप हो जाएगा एंड टीम वापस मुंबई आएगी. फिर उसके बाद वायरफ में आने के बाद कितना पैच वर्क होता है, क्या है, आने वाले एपिसोड में बताएंगे आप लोगों को. तो पठान
और ओवरसीज स्केड्यूल जो है वो अभी समाप्ति पर है, बस आई थिंक 5-6 दिन और है, मार्च एंड होते होते पूरा का स्केड्यूल रैप अप हो जाएगा। दो गाने शूट हुए, चेस सीक्वेंस है, कन्फ्रंटेशन सीन्स है, एक्शन सीन्स है, बहुत सारा फोटो शूट हुआ है वहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर स्पेन में टीम कंप्लीट करके बाहर जल जो है वापस आएगी। एंड शाहरुख खान ने अपना पहला लुक रिवील करके पूरा का पूरा सोशल मीडिया हिला कर रख दिया। शाहरुख खान इन एन एस पठान फर्स्ट लुक ऑफिशियली रिवील्ड बाय नन अदर किंग खान ग्लोबल सुपरस्टार। अब गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस पूरे के पूरे फोटो में वो है शाहरुख खान के हाथ का टैटू। आप देख सकते हो गाइस देयर इज अ ट्राइंगल एम्बेडेड इनटू अ ट्राइंगल, यानी कि हम जिसे डबल ट्राइंगल कह सकते हैं। मैंने बहुत चीज़ें ढूंढने की कोशिश की कि डबल ट्राइंगल जो है वो क्या सिंबलाइज करता है। अ ट्राइंगल्स ओरिएंटेशन कैन ऑल्सो इंडिकेट अ डीपर मीनिंग, वेन इट पॉइंट्स अप इट कैन मीन सोला एक्टिव मैस्कुलिनिटी फादर, एंड पॉइंटिंग डाउन means lunar feminine cave or a mother. The two triangles combined can represent humanity, while these tattoos often symbolize creativity. So guys, ये masculinity, father, solar, active, इस सारी चीजों में ये symbolize होता है, and this tattoo is you know pointing upwards. Film में इसका क्या significance है पता नहीं, जितना मुझे पता चल पाया ढूंढ के इंटरनेट पे उतना मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। पठान releases 25 Jan 2023 at a cinema near you and a pan India release. Stay cool man.